टॉपिक ऑफ द डे में दोस्तों आपका स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ये भारतीय गर्म दल के जनक हैं। अगर आजादी के लिए किसी महान क्रांतिकारी का नाम हम लेते हैं तो सबसे ऊपर नाम हम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का देखते हैं। जन्म हुआ दोस्तों इनका 23 जुलाई 1856 को, देहांत हुआ 1 अगस्त 1920 को, यानी 1 अगस्त 1920 को भारतीय क्रांतिकारी लोगों का ये सूर्य अस्त एक प्रकार से हो गया था। पूरा नाम इनका लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इनका पूरा नाम था। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का वैसे टाइटल मिला हुआ था। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1885 में इन्होंने की। केसरी और मराठा, ये दो क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं, इनके दो अखबार थे और दो इनके त्योहार थे। केसरी और मराठा दो अखबार थे और दो त्योहार थे, गणपति और शिवाजी महोत्सव। यहीं से 100% क्वेश्चन बनता है बार बार। एक चीज और देखना दोस्तों, जो केसरी था वो इनका मराठी भाषा में था, ये कई बार कंफ्यूजन इसमें रह जाता है। यानी केसरी और मराठा अखबार और गणपति और शिवाजी इनके त्योहार, इन दोनों के, इन चारों चीजों की इन्होंने शुरुआत की थी। सर वैलेंटाइन शिरोल ने अपना एक लेख लिखा, उसने अपने लेख इंडियन अर्नेस्ट में तिलक को फादर ऑफ इंडियन अर्नेस्ट यानी भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि भारतीय अशांति का जनक किसे कहते हैं। तिलक का देश से निष्कासन, 1908 ईस्वी में 6 साल के लिए उन्हें देश से निकाला दे दिया गया। 6 साल तक उनको देश से निकाला दिया गया। भारतीय क्रांतिकारियों में सबसे ज्यादा जेल की सजा पाने वाला क्रांतिकारी बाल गंगाधर तिलक ही था, जिनको सबसे लंबे समय तक जेलें हुई। उन्हें मांडले जेल में आमतौर पर रखा जाता है, जो म्यांमार में है, मांडले जेल। इन्हीं के साथ जेल जाने वाले अजीत सिंह, किशन सिंह जो भगत सिंह के चाचा और पिताजी थे, वो भी रहे। होम रूल लीग आंदोलन 1915-16 में तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने मिलकर चलाया, ताकि गर्म दल, नरम दल और मुस्लिम लीग को मिलाया जा सके। इस आंदोलन के बाद लखनऊ में समझौता हुआ जिसमें नरम दल और गर्म दल एक हो गए, यानी गर्म दल जो कांग्रेस से बाहर निकाला गया था 1907 में, वो कांग्रेस में शामिल हो गया। और मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता हुआ इन सबके बीच में कि हम इंडियन नेशनल मूवमेंट में एक साथ मिलकर के काम करेंगे। ये कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे, सबसे स्ट्रांग लीडर होने के बावजूद भी। गो रक्षा दल की स्थापना भारत में पहली बार इन्होंने की। अखाड़ों की स्थापना पहली बार इन्होंने की भारत में। इसीलिए दोस्तों आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही। नए टॉपिक के साथ थोड़ी देर में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।